पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। लोग इस फिल्म के लिए लेखक निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की खूब तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाया गया है। ये कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म की कहानी कहती है, तो वहीं इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए और दी कश्मीरी फाइल्स फिल्म के समर्थन में बाइक रैली निकालते हुए वेब मॉल पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कपिल शर्मा जैसे लोगों के बहिष्कार का भी ऐलान किया, तो वहीं हिंदू संगठनों ने जुड़ी महिला विंग की कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। जो द कश्मीर मूवी लगी हुई है, हम उसे देखने के लिए वेब सिनेमा में आए हैं और हमारा पूरा संगठन विश्व हिंदू परिषद आया है, जो इस फिल्म को अपने थिएटर में नहीं लगा रहे हैं। बहिष्कार करें उस थिएटर का, उस थिएटर में पिक्चर देखनी बंद करें, क्योंकि ये पिक्चर हमारे हिंदुत्व के लिए है, कोई हिंदू मुस्लिम करवाने के लिए नहीं है। हम लोग आज कश्मीर फाइल जो पिक्चर रिलीज हुई है ना, उसको देखने के लिए आए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, मुरादाबाद विभाग के विभाग मंत्री, यहाँ पर बजरंग दल के हमारे प्रांत संयोजक गौरव भटनागर जी, कोषाध्यक्ष त्यागी जी, सब लोग यहाँ पर, पूरी टीम आज जो है विश्व हिंदू परिषद की इस पिक्चर को देखने आई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा हेतु है। हेतु ये है कि हमारे पास जागरण का एक ये बहुत अच्छी पिक्चर आई है, जो कि हमारे अतीत को, हमारे साथ किए गए व्यवहार को वो दिखा रही है। जैसा कि 1990 से लेकर और 2000 तक कश्मीर को खाली करा दिया, उन लोगों ने खाली कराया जो कल तक हमारे साथ खाते थे, हमारे साथ रहते थे। इस एक ऐसा केस मेरे को याद है, एक अध्यापिका बहन जी थी, उसको उसी के विद्यार्थी ने उसके साथ रेप करा। क्या विश्वास रह गया, किस पे विश्वास करो? इस पिक्चर के माध्यम से एक ऐसे किसी ने ऐसा एक स्टेप लिया है। मैं अक्सर कहता हूँ, हिंदू हिंदू जगाने निकला हूँ, हिंदू जगा कर जाऊँगा, कि हमें अपने साथ किए गए दुर्व्यवहारों की जानकारी इसके माध्यम से हमें मिल रही है। वो मैं कह रहा हूँ, वो केवल इसलिए है, जो कपिल शर्मा शो है ना, वो अगर इस पिक्चर के प्रमोशन के लिए है, कोई भी अच्छा आदमी जो अपने इस समाज के सनातन धर्म की, हिंदू की बात करेगा, वो तो समझ लो बायकॉट हो जाएगा। कपिल शर्मा को, बदतमीज को अपने शो की चिंता है, इस देश की बहन बेटी की चिंता नहीं है। उसने सोचा कि मैं इसको प्रमोट करूँगा तो मेरा जो शो है वो एक विशेष संप्रदाय के व्यक्तियों के द्वारा देखा नहीं जाए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।